नहीं बोल रही। अभी हम टोक्यो जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई बस पकड़ने जा रहे हैं। अभी काफ़ी लेट हो गया, 10 बज रहे हैं अभी। टोक्यो में पहले गिंजा जाने का प्लान है और फिर अकीहाबारा। मेरे और मेरे भाई ने मैचिंग मैचिंग कलर पहने हैं। चलो, पूरे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। अभी सबसे पहले उत्सुनोमिया स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से शिनकानसेन लेंगे टोक्यो के लिए। शिनकानसेन में मैं तो बैठी हुई हूँ पहले, लेकिन भैया कभी बैठा नहीं है, तो इसलिए शिनकानसेन से जाएंगे आज। तो चलो, कितनी ग्रीनरी है आजकल जापान में, पूरा ग्रीन ही ग्रीन पीछे। यहाँ पे तो आज टेम्परेचर अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन टोक्यो में बारिश लिखा हुआ है, देखते हैं बारिश होती है नहीं। बस आ गई। ये उत्सुनोमिया स्टेशन के बाहर का एरिया, यहाँ पे मॉल भी है और खाने वाने के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे भी स्टेशन पे भी बहुत सारे शॉप्स हैं। अभी टिकट लेने जा रहे हैं। आ गए हम लोग प्लेटफॉर्म पे, शिनकानसेन की टिकट ले ली है। ये दो टिकट ली हमने, एक है शिनकानसेन की उत्सुनोमिया से टोक्यो की, वो हमें पड़ी है 4490 की ये वाली, और वापसी पे हमने लोकल ट्रेन लिया है जो कि हमें पड़ी है 1980 की। लेफ्ट वाली टिकट देख लो आप, कितना डिफरेंस है, मतलब देख लो, लोकल ट्रेन इट्स वे मोर चीपर दैन शिनकानसेन। टोक्यो पहुंच गए, बहुत फास्ट चलती है शिनकानसेन, पता है अराउंड 320 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे भी चलती है शिनकानसेन। फ़ायदा तो है वैसे, देखो पैसे लग रहे हैं, लेकिन स्पीड भी तो देखो कितनी मिल रही है, लोकल कहाँ ही पहुँचा सकती है 50 मिनट में। जैसे उत्सुनोमिया स्टेशन से टोक्यो स्टेशन अराउंड 137 किलोमीटर है, और 137 किलोमीटर 50 मिनट में पहुंचा दिया, कितना सही। और रुकी भी थी बीच में, तीन चार स्टेशन बीच में रुकी भी थी। अब चलो बाहर निकलते हैं बस। टोक्यो पूरा बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स से भरा हुआ है। ये टोक्यो स्टेशन है जहाँ से हम आए अभी, ये पता है 107 साल पुराना स्टेशन है। वो एप्पल का शोरूम, वहाँ से एक लाइटनिंग कनेक्टर ले ले, मेरा वो ख़राब हो गया।
ये एप्पल का शोरूम, जापान का सबसे बड़ा शोरूम है एप्पल का, टोक्यो स्टेशन के सामने ही है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे खुले हुए, इसका भी टूर करवा ही देती हूँ। एक कनेक्टर लेके आई हूँ मैं एप्पल के स्टोर से, जो कि चाहिए था मेरे को ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए। नॉर्मल ईयरफोन आईफोन से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल, वो दूसरा जैक चाहिए होता है ना उसके लिए। ये स्काई बस है, जापान की पहली ओपन टॉप डबल डेकर साइट सीइंग बस। यहीं ये टोक्यो स्टेशन के बाहर से ही मिलती है। बढ़िया है ये टूरिस्ट के लिए, वन डे ट्रिप वगैरह करवाती है। बाय द वे, आपको पता है कि टोक्यो मोस्ट क्राउडेड सिटी है वर्ल्ड में। अभी हम टोक्यो इम्पीरियल पैलेस जा रहे हैं, जापान के एम्परर का घर। बाहर से ही देखेंगे लेकिन। ये गेट है अंदर जाने का, एम्परर यहाँ से अंदर जाता है, लेकिन ये अभी बंद ही रहता है ज़्यादातर। जब एम्परर को निकलना होता है तब ये गेट से निकलता है। इम्पीरियल पैलेस बाहर से देख लिया हमने, अब हम जा रहे हैं गिंजा की तरफ। कितना बढ़िया व्यू है और इतना अच्छा मौसम, ना गर्मी ना ठंड। ऊपर जा रही है शिनकानसेन और यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है ब्राइड एंड ग्रूम की। इतने बढ़िया लग रहे हैं, भूख लगी है तो हम यहाँ पे आए हैं पेस्ट्री शॉप पे। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरी वाली है। हाँ, ये पूरा गिंजा ही है। थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग कर ली, अब भैया को रामेन खानी है तो यहाँ रामेन खाने आए हैं। अब यहाँ पे इस मशीन से ऑर्डर करना होगा। टोक्यो में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स पता है बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिक्लो है। यूनिक्लो पता क्या है, जापानीज कैजुअल वेयर क्लोथिंग ब्रांड है, काफ़ी अच्छा है। इसके दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी शोरूम्स खुल गए हैं अब। ट्वेल्व फ्लोर्स हैं इधर, वो देखो ऊपर लिखा है।
जापान में ना ज़्यादातर लोग लाइट कलर्स और लूज कपड़े पहनते हैं। वाह, यहाँ पे कपड़े निट भी हो रहे हैं। यहाँ पे इस जगह में गिंजा में आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स के शोरूम्स मिल जाएंगे। चलो अब हम अकीहाबारा जा रहे हैं, पर इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं।